तेरे पास अगर कोई काम ना हो तो वासा चमन की सैर करने के लिए जा रही है तो भी साथ में चला जा। हमें लगे काम तो कौनो नहीं ना, लेकिन इमरजेंसी न्योता पड़ेगा। इमरजेंसी न्योता पड़ेगा। कैसा निमंत्रण? हमें हमें नानी का ब्याह है। अबे अकल के कोल्हो और केले के छिलके, जब तेरी नानी की शादी नहीं हुई तो तेरी माँ कहाँ से आ गई और तू कैसे आ गया? जब हमें नानी रही ना, उनके एक छोड़ बहन रही है, न कहीं पिटू ही। अब वही सयान भाई हट्टा कट्टा कुल्लोज पट्टा, तो नानी की बहनी नानी नहीं कहा बुआ कहा। इसका मतलब कि वो स्मॉल सिस्टर। स्मॉल सिस्टर नहीं, बहन। अबे हिंदुस्तानी घोड़े, मैं वही तो बता रहा हूँ। अगर आप कितना पढ़े लिखे हो ना, तो यहाँ ड्यूटी न करी, पायलट के जहाज हो। अबे जहाज का पायलट होता। शादी कब है? शादी 31 मई का पड़ रही है। शादी मई में है और छुट्टी अभी से मांग रहे हो? अरे हमारा कुटना पिसना करेगा परी। चल ठीक है, लेकिन आज का दिन समय निकाल ले, जाओ। आशा जा रही है, अब हमारी बेटी आशा चमन की सैर करने जा रही है, तो हम उसके आने का इंतजार करते हैं। हेलो, कहना है दोस्तों, गांजा मन ताजा करे, गांजा गांजा मन ताजा करे, दुख विपत्ति हर ले, और जो सुख चाहो शरीर का तो एक फूंक पी ले। गांजा में गंगा भरी, गांजा में गंगा भरी, चिलम में चारू धाम, कितक में शंकर बसे, जय 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 सरदार जी। मैं कितना बदनसीब हूँ, मुझे अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने को भी नसीब नहीं हुआ, और हमारा दुश्मन वो कमीना चतुर्थेली आज भी ऐस की जिंदगी जी रहा है। सराह तैयारी बनाओ, आज हम शंकरगढ़ की तरफ चलेंगे, और अगर मौका मिला तो उस राम जागे चतुर सिंह का नाम और निशान छुटा कर ही आएंगे। आओ हमारे साथ, जय माँ भवानी। विनोद कुमार गौर पाने का प्रवाह। विनोद, हमें थोड़ी देर टाइम पास करेंगे, उसके बाद फिर जाओगे। और चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, उनके नाना जी आ गए हैं। Yeah.
चतुर सिंह की लड़की है, अब मौका अच्छा मिला है बदला चुकाने के लिए। हाँ लड़की, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुन मेरी बात को। तो लड़की तू कौन है बतला अपना। चतुर सिंह की बेटी हूँ और मेरा नाम आशा है, ठीक है? मेरे साथ कोई बदतमीजी मत करना। अपने बाप की धमकी दे रही है, अपने बाप की धमकी दे रही है, मत करे देर अपने और पिता को बुला। आज किन किन के बदले चुकाऊंगा मैं, जान की भीख मांगे गलों पे शर्म, मार पर ही उसे शर्म। मैं बुलाती हूँ, ठीक है? मैं जाऊँ। कहाँ जाएगी? जी जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं, मैं जाऊँ। तेरी लाश जाएगी, क्योंकि अब मैं तेरी इज्जत को बर्बाद करूंगा। उसके बाद तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरी लाश तेरे बाप के पास भेजूंगा। चल मेरे अड्डे पर।
मैदान था तो नाम क्या है यहाँ पर सलाम चाहते हो तो इस लड़की को छोड़ दो। छोड़ इस लड़की को, मैं नहीं छोड़ सकता सम्राट। तू जानता नहीं है, मैं कहता हूँ यहाँ से चला जा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या होगा? क्योंकि तुझे मालूम नहीं है तो बदले की आग में मैं चल रहा बदले। शंकर सिंह और मैं भी बदले की आग में जल रहा हूँ और इस लड़की को ले जाने से पहले तुझे सम्राट सिंह की लाश से गुजरना होगा। सम्राट, लगता है कि तुझे भी किसी छत्रानी ने जन्म दिया है, तू भी किसी छत्री का पिसर है। और ये शंकर सिंह छत्रियों का कत्ल करता है। सम्राट, अगर तेरे दिल में यही चाहे कि इस लड़की को तू बचा कर ले जाएगा तो इसके लिए तुझे शंकर सिंह से मुकाबला करना होगा। मुझे तेरी शर्त मंजूर है तो आ मैदान में। अब फैसला मैदान जंग में होगा। आजा सम्राट। पार्वती का खून बहाया है। सम्राट, सम्राट, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूं। अगर तू चाहे तो मुझे गोली मार दे और मुझे गोली मारकर इस लड़की को ले जा सकता है। लेकिन सम्राट, मरने से पहले एक बात जानना चाहता हूँ। तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो और पार्वती से तुम्हारा रिश्ता क्या है? बोलो सम्राट, पार्वती से तुम्हारा रिश्ता क्या है? शंकर सिंह, अगर तुम जानना चाहते हो कि पार्वती से मेरा क्या रिश्ता है तो सुनो। शंकर करे और विख्यात है जमुना जी के मरे संग थे
शंकर सिंह, इस कहानी से तुम्हारा क्या लेना देना है? सम्राट, सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है। लगता है कि किसी ने तुझे बहका दिया है। सम्राट, या भगवान, तेरी लीला को भी कोई समझ नहीं सकता। आज तूने इस मोड़ पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया है। और इस समझ तू मेरा राज दुलारा और तब का पिछड़ा आज मिला। आ बेटा गले लग बेटा, मुझे गल से देख, मैं कोई और नहीं, तेरा पिता समर सिंह साजन बेटे। करा कि तेरी माता का दिल में हूँ। नहीं बेटा, कि
उसी ने तुझे बहका दिया है साजन, तेरी माँ ने मेरे गोद में अपने प्राण त्यागे थे और प्राण त्यागने से पहले उसने बताया था कि तेरी माँ का कातिल कोई और नहीं, यही शंकर का रियासत का वो साला हराम जदा ठाकुर चतुर सिंह है बेटा, ठाकुर चतुर सिंह है जिसके कारण आज मैं अपना परिवार छोड़कर तीगड़ों की खाल छा रहा हूँ। वो हराम जदा मेरी आंखों के सामने निर्दोष किसानों का खून बहाया जिसके कारण आज जादू बना। अगर चतुर सिंह ने मेरी माँ का खून बहाया है तो आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं चतुर सिंह को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, रुक जा मेरे लाल, अभी तो मैंने तुझे जी भर कर देखा भी नहीं है। एक बाप अपने बेटे को गले लगाने के लिए तड़प रहा है मेरे लाल, एक बाप की छाती अपने बेटे को गले लगाने के लिए तड़प रही है। तेरा ये बाप यही सोच रहा था कि कब मेरा बेटा सजन आएगा और मेरे सीने से लगकर मेरी छाती की डांस को बुझाएगा। बेटा तूने अब तक कोई गुनाह नहीं किया, तू इस देश का एक रक्षक है, मैं तेरे हाथों गुनाह होने भी नहीं दूंगा। अरे उस तरह के शैतान के खातिर तो तेरा बाप ही काफी है। चल बेटे तू मेरे साथ मेरे अड्डे पर, तू आराम कर, मैं खुद जाऊंगा चतुर सिंह का नामो निशान मिटाने के लिए। बेटी बेटी मैं तो इस शंकरगढ़ की हर माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी समझता हूँ, लेकिन देख आज बदले की आग में मुझसे कितना बड़ा गुनाह होने जा रहा था। फूल जैसी बच्ची के साथ मैं क्या करने जा रहा था, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे, तेरे बाप ने इतना गुनाह किया है, न जाने कितने किसानों का खून बहाया है, न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद किया है, इसलिए बेटी मैं तेरे बाप को माफ नहीं कर सकता और जब तक मैं तेरे बाप को मिटाऊंगा नहीं मैं तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा। आज के बाद तुम मेरी बेटी की भांति मेरे पास रहेगी। आज सब लोग पहले हमारे अड्डे पर चलो, उसके बाद फिर हम उस हरामजादे चतुर सिंह के विषय में सोचेंगे। आओ बेटा। चतुर सिंह हम तुम्हारे जान का दुश्मन बन के आ रहा हूं। जय मां काली।